बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू ए एंड एस फूड। आज हमारे किचन में बनने जा रहा है आलू अंडे का सालन, जो कि नहायत ही सिंपल तरीके से बताऊंगी मैं आपको और बहुत ही मज़ेदार भी होगा। इसके लिए सबसे पहले जो हमें चीज़ें चाहिए होंगी, दो दो प्याज हैं जिनको आपने काट लेना है, चार से पाँच आलू हैं जिनको क्यूब्स की शक्ल में आपने काट लेना, ना ज़्यादा मोटे हों ना ज़्यादा पतले हों, दो दो टमाटर हैं, हरा धनिया चाहिए, एक 1 टीस्पून के करीब हमें अदरक पेस्ट चाहिए, चार से पांच हरी मिर्चें चाहिए, तीन अंडे हैं जिनको मैंने फेंट लिया है, और मसालों में जो हमें चीज़ें चाहिए होंगी, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून गर्म मसाला, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर है, 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। सबसे पहले हम अपनी कढ़ाई में 1/2 कप के करीब हम इसमें ऑयल डाल लेंगे। ऑयल को थोड़ा सा गर्म कर लें, क्योंकि ऑयल की जो अपनी स्मेल है वो गर्म करने से ख़त्म हो जाती है। तो इसके बाद आप इसमें प्याज डाल लें, प्याज को हमने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना। तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए हम प्याज को फ्राई करेंगे। पाँच मिनट के बाद अब हम इसमें आलू डाल देंगे। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। तीन चार मिनट के बाद हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे, अभी थोड़ा सा पक लेने दें इसको। अब इसके अंदर टमाटर डाल देंगे। साथ में हमारे पास हरी मिर्चें, कुटा हुआ अदरक, हम इस सालन में पानी नहीं बिल्कुल भी ऐड करेंगे। अगर पानी नहीं डालना तो इसके लिए फिर आपको टमाटर थोड़े ज़्यादा डालने पड़ेंगे। आप 3 टमाटर भी डाल सकते हैं, जैसे मैंने बड़े साइज के 2 टमाटर ऐड किए। क्योंकि टमाटर का इसमें अपना पानी इतना ज़्यादा होगा कि ये वैसे ही आलू चल जाएंगे, पानी की आपको ज़रूरत नहीं है। अब इसमें हम मसाले डाल देंगे, जिसमें लाल मिर्च है, नमक है, हल्दी है और जीरा पाउडर। गर्म मसाला हम एंड पे डालेंगे, अभी नहीं डालेंगे। आँच थोड़ी स्लो कर दें पॉइंट पे आके, ताकि आपके मसाले टमाटर का जो पानी है उसी के अंदर ही अच्छे तरीके से पक जाए, आपको पानी ना ऐड करना पड़े। तो इसके लिए आपको आँच थोड़ी स्लो रखनी पड़ेगी।
हल्की आंच पे अब हम इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे ऊपर से। तीन से चार मिनट के बाद इसमें एक दफ़ा चम्मच चला दें। आंच आपने इसके लिए स्लो रखनी है, ये तेज़ आंच पे इसके मसाले जल जाएंगे और वो टेस्ट नहीं निकल पाएगा। फिर इसको मैं कवर कर रही हूँ यहाँ पे। ये देखिए तकरीबन इसमें आलू है जो उसे वो डल गए, टमाटर भी मिक्स हो गए अच्छी तरह से, लेकिन अभी भी इसमें टमाटर का पानी है थोड़ा बहुत। खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है इसकी। आप इस तरीके से बना के देखिए, आपको भी और आपके घर वालों को भी बहुत पसंद आएगा। अब इसमें मैं अंडे डाल दूंगी। ये फेंटे हुए तीन अंडे थे मेरे पास, वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। आँच आपने इस यहाँ पर आके आँच आपने काफ़ी स्लो रखनी है, क्योंकि अब आप थोड़ी देर के लिए इसको हिलाएंगे नहीं, तो ना हिलाने की सूरत में ये नीचे से जल ना जाए। इसके ऊपर आपने हरा धनिया डाल देना है, थोड़ा सा हम बचा लेंगे। साथ में गर्म मसाला था वो डाल दिया। और एक चीज़ मैंने पहले आपको नहीं बताई, वो अब ऐड करने जा रही हूँ इसमें। हाफ टी स्पून इसमें मैं चाट मसाला डालूंगी। इससे देखिएगा, खा के देखिएगा आपको कितना मज़े का लगेगा, इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है इसमें। ये थोड़ा सा और डाल दिया, बस ये अब हम इसको कवर कर देंगे। पाँच छः मिनट तक जो उसको दोबारा मिलते हैं। चलें जी, अब हम इसको खोलते हैं। ये देखें बहुत ज़बरदस्त इस पर से खुशबू आ रही है। अब इसको मिक्स कर लें। बस थोड़ी देर के लिए इसको मैंने हल्की सी आंच मैंने तेज़ कर दी है। इनको अच्छे तरीके से मिक्स करना है और उसके बाद हम इसको डिश आउट कर लेंगे। आप इसको साथ चपाती के साथ आप इसको खा सकते हैं। ये बहुत जल्द बन जाने वाली सब्ज़ी है, झटपट आप इसको जो से बना सकते हैं। मेरे घर में मेरे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। चलें जी, इसमें से आ रही है बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू। तो अब मैं इसको डिश आउट करने जा रही हूँ। ये लें जी, हमारे ज़बरदस्त आलू अंडे की सब्ज़ी तैयार है।
आप इसको खाएं, इंजॉय करें, खुद भी अपनी फैमिली के साथ भी इंजॉय करें। तो अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।